वेलकम टू फजल हक फिशिंग पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहू। भाई 13 तारीख और 14 अगस्त की रात, कल इंशाल्लाह 14 तारीख होगा, हम लोग यहाँ से निकलेंगे। जश्नी आज़ादी सबको मुबारक हो भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, इंशाल्लाह अभी स्टार्टिंग लेते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं अपना भाइयों को, अपना दोस्तों को, जो यंगस्टर लड़के आए हैं माशाल्लाह, बेहतरीन बच्चे हैं, बहुत अखलाकी बच्चे हैं, तो आप लोगों से मिलवाते हैं। आपको गेम में भी मज़ा आएगा, गपशप में भी मज़ा आएगा। ये गपशप का एक प्रोग्राम था, हम लोगों ने आना था सुनहरी कंदी पे, आप लोगों को अपडेट देने के लिए खसूस इसीलिए आया हूँ। ये भाइयों ने दावत दी थी और हमने इसको बिल्कुल कबूल किया, क्योंकि फ़िशिंग के हवाले से आप लोग दावत दोगे और फजल भाई नहीं आएगा तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो इंशाल्लाह अभी आप लोगों को गेम भी दिखाएंगे, अगर लगेगा नहीं लगेगा तो हमारा गपशप ज़रूर देखेगा। ठीक है जी, रहिए, बने रहे हमारा वीडियो में और स्किप ना करें। इसमें आपको जो ना हम लोग ट्रिक सिखाएंगे, ऐसे बेहतरीन दाने जहां मछली नहीं लगेगा आपको लगेगा, ऐसे ऐसे ट्रिकें दिखाएंगे। ठीक है जी, अल्लाह खैर करे। बिस्मिल्लाह करते हमारा इस भाई से, इसका नाम है गपे शपे, ज़बरदस्त आदमी है और सुनहरे का किंग है ये, हर कोई जानते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा उस्ताद मोहतरम हफीज़ फैज़ुर रहमान साहब, ये आपके सामने हैं और अपना तारुफ बताएगा सर। अस्सलाम वालेकुम सर, नाम बताएगा ज़रा। आज़म खान है हमारे साथ, सीनियर उस्ताद है। देखो ये इस जगह पे जो बंदा बैठते हैं, आप लोगों को पता है ये कौन होता है? बाकी आप समझ गए होंगे ना, ये जगह है और ये बंदे हैं, आज़म खान और फैज़ुर रहमान दोनों बैठे हुए हैं है। और हमारा नाकवा साहब, नाम बताएगा ज़रा। नसीम भाई है हमारे साथ, इंशाल्लाह मौजूद है और अच्छा बंदा है। ये दूसरा भाई है हमारा यंगस्टर याकूब खान, और ये हमारा दूसरा भाई बल्कि पांचवा भाई बताएगा ज़रा, अदनान खान। और ये तो अपना लेट थोड़ा सा बंद कीजिएगा, आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि आपका लेट के आगे पे थोड़ा सा मोहम्मद अमीर। तो ये हमारा जो है ना साथी है और हमारे साथ आप लोगों का पुराना जो हमारा वीडियो पे आते रहते फजल अमीन खान, ये हमारा एडिटर साहब भी है और समझो शिकार यही करते हैं, बाकी तो मैं बैठा हुआ होता हूँ। चलो हाथ उठाओ, याकूब नाम है, याकूब खान को आ गया छोटा सा मच्छी। कौन सा मच्छी है, किसी है, कब्रतान है, किसी फोगिया आ गया, छोटा सा फोगिया आ गया भाई, और अभी कंफर्म नहीं हो रहे, कोई किसी बोल रहे कोई फोगिया बोल रहे, लेकिन एक मच्छी आ गया छोटा सा। और इसके साथ मैदान जंग तैयार हो रहे हमारा गपे शपे के साथ, ये देखिएगा टमाटर कट रहे साथ में प्याज कट रहे। नसीम भाई का हाथ का सालन खिलाएंगे, आप लोगों को बताएंगे इंशाल्लाह कि क्या रिजल्ट आता है। नसीम भाई ऐसे बनाना कि मज़ा आ जाए, हम लोग आया ही सिर्फ खाने के लिए इंशाल्लाह। गुड हो गया, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अच्छा जी, आ गया भाई हलवा, ये देखिएगा अगर नशास्ता अगर लांच। देखिए करते हैं मोहब्बत इनसे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन मोहब्बत टू वे होती है सर, मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। लंच में आओगे तो मजा पाओगे भाई, ये मजे होते हैं हमारे साथ, आया करो कभी कभार एंजॉय के लिए, वो भी गपे शपे के साथ, क्योंकि वो जायका भी बताता है। हाँ हाँ कर गई उखरा उखरा। एक बात का पता चला हमारा भाई ने, का पानी मीठा है, मीठा पानी है। मीठा पानी, पता नहीं शिकार लगे नहीं लगे, ऊपर हाँ। वाला रहेगा हाँ इंशाल्लाह, लेकिन पानी मीठा है आज जो है डैम का पानी है, लेकिन इसको इसलिए क्योंकि ये तो सुन नहीं रहे, आप लोगों को पता है इसका नाम है गपे शपे। तो ये है, ये पानी नसीम भाई बताएगा, नसीम भाई अभी उतार में है पानी और मीठा पानी है, ये डैम का पानी है, डैम का पानी नहीं, ये जो छोटे छोटे नाले होते हैं हाँ हाँ, उसका बारिश का पानी है, बारिश का पानी है, अभी चढ़ाव लगेगा तो पानी वो ये पीछे चला जाएगा जी जी। और इधर जो ना हमको कारा पानी, ताज़ा पानी मिलेगा, यानी उसमें फिर मच्छी का इंशाल्लाह शिकार होगा। ठीक है, पानी का बहुत असर होता है आप लोगों को पता है, लेकिन हम फिर भी आपको बता दें, क्योंकि इस टाइम खामोशी, एक छोटा सा दाना आया है भाई को, और इसी का मतलब ये है कि अभी पानी सेट नहीं है, मीठा पानी है। इस चरतम नजीर उछत का डीजल वाला है, उठा उठा डीजल वाला है, तेल खराब। माशाल्लाह माशाल्लाह, इधर 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 कटा केरा
बेग दे पास ओ हमें क्या पता था इन्हीं ने घुमाना ये कुकड़ आ गया भाई ये इसका लहराता हुआ ये आपको कंदी का जो है ना कपड़ा दो कपड़ा दो किसके पास कपड़ा है कपड़े पे पकड़ चलो खैर बस छोड़ो आप निकालोगे क्यों मैंने आपको जो है ना एक वीडियो दिखाना था जबरदस्त साइज देखिएगा उसमें सर मोबाइल लेगा ना पकड़ है ये लींबू है और ये हमारा गपे शपे सालन में सॉरी इसका आवाज सुन रहे अच्छा ये मर्च खाने हैं आप लोगों से बात एक ये है कि ये खुद नहीं सुनता है और ये घी डाल दिया हमारा भाई ने और ये हमारा पुदीना बल्कि नीम का पत्ते पुदीना और ये प्याज आ गया और इसके साथ ये आ गया और गोश्त किधर है उसको अभी धोया नहीं है अभी धोएगा इसको सामने करो इसको धो लो माजरत के साथ आप लोगों को एक बार फिर दिखाना चाहता है कि ये देखिएगा ये हमारा गोश्त का कलर है और ये हमारा तड़का तैयार है बिल्कुल करीब करीब है और ये नसीम भाई का मुबारक हाथ इसमें है इंशाल्लाह जो जायका आएगा आप लोगों को दिखाएंगे शेयर करेंगे आपके साथ और खाना भी और हमारा ये माहौल देखिएगा बस ये यंगस्टर बच्चे हैं इनके गाना और वगैरह वगैरह ऐसा छोटा मोटा ये चलता रहता है ठीक है जी गड़ा गया भाई अरे ये पाउल है भाई ये आ गया भाई ये कलर कम दे टुकड़े कलर आ गया माशाल्लाह जबरदस्त कलर आ गया है और ये एक गिलास पानी का इस्तेमाल कर दिया है नसीम भाई ने और बाकी आपको दिखाएंगे एंड पे ये जो है भाई शिकारी आटा बना रहे भाई इसको बोलते शिकार के लिए आटा ये मेहनत करनी पड़ती है कभी जिंदगी में हमने आटा नहीं गूंदा है और अभी मजबूर है शिकार के लिए क्योंकि शिकार जो है ना अभी चारे पे नहीं आ रहे हमारे पास चारा पूरा है और ऑलराउंडर चारा है हमारे पास लेकिन ये है अभी इसका भी कोशिश करते हैं अगर धंधिया स्टार्ट हो गया ना तो आप हमारा गेम देख लोगे इंशाल्लाह एंड होएगा एंड थोड़ा तरीके से बनाते हैं वाह मत आ जाए अच्छा जी आ गया सालन का कलर जायका अभी आपको चेक करवा के पता चलेगा और नसीम भाई ने जो ना ये बना दिए माशाल्लाह स्पेशल है जबरदस्त कलर और वो भी खूबसूरत तड़के के साथ कोरमा बन गया अच्छा नसीम भाई कौन सा सालन बना दिया कोरमा है इंशाल्लाह अभी चेक करेंगे तो रिजल्ट आएगा ठीक है जी बनाएंगे खाएंगे तो घर बनाएंगे आप लोगों ने शादी में कैमरा चलाते हुए देखा होगा और ये बदलवी आंखें उठाओ कैसा लग रहा है सालन का जायका बताओ भाई आप भी बताओ आपका लाइट चल रहा है जबरदस्त जायका है ना हाँ कप शॉप कैसा बना है बेहतरीन बना प्रोग्राम ओ खैर ये हुई ना बात ये हुई ना बात अब इसको प्याज देंगे अच्छा जी हमारा दूसरा सेटअप जो बनाया अमित भाई बताओ माशाल्लाह जबरदस्त सालन का जायका सही है बिल्कुल ओके और अदनान भाई बताओ सच सच बताओ जिसने बनाया है वो भी अभी बताएगा भाई कैसा लग रहा है आपको अपना हाथ का सालन मज़ा दे रहे गुड आ गया भाई और मैं भी एक
टेस्ट लेता हूँ, क्या ये मजाक तो नहीं हो रहा है हमारे साथ। तो ये है, ये देखिएगा, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। ऐसा 5-star होटल में भी नहीं है जैसा मज़ा इधर है। ओहो माशाल्लाह, कका गया भाई सिंगी। इधर का ये मच्छी है भाई, इसी पे गुजारा करना पड़ेगा। और ये फजल अमीन ने मच्छी निकाल दिया, फिर ये पहले बिस्मिल्लाह हो गया। हाय हाय हाय, शिकार आखिर बार स्टार्ट हो गया है। और ये हमारा फैज़ुर्रहमान उस्ताद, इसका तारुफ कराया था, ज़बरदस्त सोलफिश का दाना लगा है माशाल्लाह। किस पे आया अपना फैज़ुर्रहमान, किस पे आया? ये झींगे पे। झींगे पे आया भाई, बोई भी लगाए जा रहे और साथ में जो है ना बोई के भी चले पट्टे लगा रहे। दूसरा बात यह है कि आटा भी चला रहे, ठीक है, 3-4 हमारे साथ चल रहे अभी। अभी ये झींगे पे स्ट्राइक हो रहे हैं। ये कैमरा सेट नहीं था, लेकिन ये देखिएगा जबरदस्त छोटा सा दाना आया। किसी है भुगिया है बड़ी यार, भुगिया लग रही है भाई फजल अमीन को, तो आज भुगिया लग रही है, छोटे छोटे दाने लग रहे। शिकार एक बार फिर थोड़ा सा नरम है। और इसी के साथ जो है ना चाय का वक्फा है, हर तरफ चाय चल रही है भाई। हम लोगों ने तो चाय उड़ा ली, और अभी तक फजल अमीन के लिए ये कप भर हुए। फजल अमीन ये अपना कप उठाना बेटा, चले भाई ये आ गया चाय, वो भी चाय ज़बरदस्त फ्लश फ्लश देवान। अच्छा ये सुनता नहीं है, ठीक है, इसको इशारे से समझा सकते और या फिर इसको हिला के बात बता सकते। ऐसे शिकारी लाया है, देखो भाई ये कौन सा मच्छी और कितना साइज का आ रहा है। आप देखिएगा बदर हक फिशिंग पर आज छोटे छोटे मच्छी आपको दिखा रहे हैं। काकान का पट्टा है ना, छोटा सा काकान है। हमारा अदनान भाई बहुत खामोश बैठे हैं। अदनान भाई 14 अगस्त है मेरे ख्याल में, आप मच्छी को कोई जख्मी नहीं करना चाह रहे? हाँ छुट्टी पे गए हुए हैं, 14 अगस्त की छुट्टी है भाई, मच्छियाँ सारा गए हैं। और ये जो हमारा करीब में लांच आया है, ये हमारा पुराना साथी नागवा नवाज भाई है, तो इंशाल्लाह मिलवाएंगे कल अगर ज़िंदगी रही तो, कोशिश करेंगे कल मिलने का, क्योंकि अभी अंधेरे हैं नज़र नहीं आ रहे। जबरदस्त भाई, गप्पे शप्पे को आ गया कोकड़, एवान दाना आया एवान, जबरदस्त 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 खसूसी। हम उठाओ जरा, उठाओ उठाओ, जबरदस्त भाई ये आ गया खुकड़, हाँ बेहतरीन साइज का है, मज़ेदार। ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, पहले वाला बहुत बेहतरीन था, लेकिन खुकड़ मछी है भाई। आप लोगों को कौन सा मछी पसंद है? सब पसंद है, खाली आवे आवे। अच्छा इसी का ही मैं बोल रहा था कि बम्बोर को पकड़ लेना चाहिए, क्यों ये 1700 रुपये किलो चल रहे, सबसे महंगा मछी मुझे ही लगा है, मेरा किस्मत इस वक्त लक चल रहे है भाई, ये महंगा मछी है। तो अभी जो कुकड़ मछी है वो मुझे ख़ास पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे पास आया नहीं है अभी तक। लेकिन ये है कि मछी मुझे ये पसंद है जो मेरे पास आ जाए। जबरदस्त साइज, गबरू साइज का कफरतान आए हैं भाई, हम लोग आए हैं कफरतान के लिए माशाल्लाह भाई। ये कुकड़ मच्छी आ गया और बेहतरीन साइज है, इसी के लिए हम आए हैं, क्योंकि ये कुकड़ का जो है ना पॉइंट है, ये जागीर है, ये हमारा हमीद भाई ने बताया, इसी के पास जो है ना GPS में नाले में भी हमारा नंबर है। हमीद भाई यही नंबर है ना आपका फेवरेट नंबर है भाई, किसी को चाहिए तो बोल सकते हैं हम लोग इंशाल्लाह। उसका कलर है बिल्कुल, ये बात है।
ये देख मुश्किल कलर उसको बोलते हैं लहरा के बलका के सुरमा लगा के इसका जो नाक है जबरदस्त आला साइज है आला साइज जबरदस्त इसको बोलो यार सेट पे गिरा वरना ऐसा नहीं कि बाहर चला जाए सही दे जबरदस्त साइज है भाई कुकड़ तब्दील हो गया हमारा उस्ताद ने जो ना अभी बात कह दी है ये अलग नस्ल का स्टार्ट हो गया ठीक है ये जो 2 बजे के बाद लगता है ये वही वाला स्टार्ट हो गया हाँ ये मीठा बहुत होता है भाई यानी लजीज होता है शुगर वाले के ये सही नहीं है हाँ अच्छा शुगर फ्री नहीं है यार ये तो फिर सही नहीं है छत का उठाओ ज़रा ये भाई याकूब को एक और हो गया सर यार ये तो कब्रदान है यार कब्रदान है अच्छा फील है पंख फील है बस हो गया आ गया भाई हो गया जाम है भाई ले रहा वाला ओहो दूर देने वाले नंदन बद्दवा दादा मुझे यार आज इसके पास अच्छी नहीं है अमित भाई हमारा कमजोर जा रहा है वरना अच्छा शिकार यही आया भाई एक और बम्बोर आया है याकूब भाई के पास जबरदस्त लेडी फिश याकूब आप जो है ना अपना चेहरे को थोड़ा सा अंधेरे में रखा हुआ है गुड ऐसा होना चाहिए भाई ये 14 अगस्त का यादगार फिशिंग ट्रिप है ओके माशाल्लाह भाई ये इसका पहला दाना आया है क्या नाम है इसका अदनान भाई ऊपर देखो मेरे तरफ ये देखो भाई अदनान को दाना आ गया है और ये तोड़ हो गया इसका मतलब ये अभी स्टार्ट हो गया इंशाल्लाह गेम हो गया तब्दील अभी जबरदस्त दाना आया भाई इसको बोलते हैं बम्बोर लेडी फिश आया और खूबसूरत लेडी फिश भाई अभी माशाल्लाह गेम तब्दील हो गया लॉन्च में पहले दूसरे बंदों को लग रहे थे इस भाई को नहीं लगा था और अभी माशाल्लाह ये दूसरे मच्छी है भाई ने निकाला है और ये बाकी खामोश बैठे हुए हैं तमाम साथी खामोश बैठे हुए क्योंकि तब्दील होता है पल तब्दील होता है अजीब है मच्छी लेट के मच्छी भी निकालते हैं भाई हमारे साथ ऐसे शिकारी मौजूद है जो लेट के मच्छी निकाल रहे हैं भाई नींद में भी मच्छी निकालते हैं भाई ऐसे शिकारी होना चाहिए और बम्बोर भी कहते हैं इसका दूसरा नाम है बम्बोर ये शिकारी लोग कहते हैं तो ये बेहतरीन चीज़ है ये जो घुटनों के दर्द होते हैं ना उसमें बहुत काम देते हैं कुछ टपके लगा इसको भी दिखाओ ये स्पेशल वाली वो भी नीचे गई वो भी गया चल चल ठीक है ठीक है मिली सेफ हो गई रहमान हाथ ऊपर कर ये देखो भाई मच्छी आ गया माशाल्लाह फैजुर रहमान इसी मच्छी पे आराम आपको नहीं छोड़ रहे हैं ऐसे ऐसे दाने आ रहे हैं माशाल्लाह और ऐसे ऐसे शिकारी लाया है कि वो बर्तन में भी बोई को पकड़ते हैं ये देखेगा ऐसे लड़के हैं माशाल्लाह बस बदकिस्मती ये है कि वो बर्तन में बैठ नहीं रहा था इसलिए पकड़ा नहीं जा गया जी डबल मच्छी आ रहे हैं माशाल्लाह अभी स्टार्ट हो गया गेम ये फैजुर रहमान भाई का मच्छी है और ये हमारा दूसरे भाई का क्या नाम है आपका नुमेयर को याकूब भाई देखो यार हम नाम भूल गया ज़बरदस्त हो गया ये कौन सा मच्छी है यार ये तो काला धंधी है अरे काला धंधी आ गया लेडी फिश है ये याकूब के पास लेडी फिश आया बम्बोर और वो भी ज़्यादा ओक नहीं हुआ था इसलिए निकल गया